फिफ्थ क्लास की हिंदी की बुक्स आप प्रसंग व्याख्या से पार्ट नंबर 9 सदाचार। सदाचार के होते हैं अच्छे आचार, अच्छे काम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज में रहने वाला। समाज में रहकर वे कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, मतलब अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, सत्य बोलना, सच बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि, ये सब क्या हैं? ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वे सदाचारी कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। सत का अर्थ है अच्छा और आचार का अर्थ है व्यवहार। इस तरह सदाचार का अर्थ हुआ अच्छा व्यवहार, मतलब आपके अच्छे, आप अच्छे काम करेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, वही है सदाचार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वे सबके प्रति ईमानदारी बरतता है, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारीपूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। मतलब जो अपनी ईमानदारी रखता है उसी को लोग अच्छा समझते हैं, बेईमान लोगों को कोई भी अच्छा नहीं समझता। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वे अनुशासित एवं संयमी भी होता है, मतलब धैर्य रखने वाला, सबर रखने वाला। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य, व्यवहार, खानपान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है, मतलब जो दिल से ये मान लेता है कि मुझे सच ही बोलना है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? सदाचारी। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है, मतलब वो खुद भी खुश रहता है और जो उससे बातें करता है उसे भी खुशी मिलती है। उसके पास सद्गुण और सद्व्यवहार का भंडार होता है। वे झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वे निर्भय होता है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। मतलब मुसीबतें तो सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन जिसके विचार, जिसके आचार अच्छे होते हैं, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, उसे इन मुश्किलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। धैर्य मतलब सबर। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, मतलब दूसरों पर उपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। हमें हर जगह क्या होता है, उसको पूजा जाता है, उसको याद किया जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है, जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं, मतलब आसानी से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। ऐसे लोग किस रूप में जाने जाते हैं? संत और महापुरुष के रूप में। वे अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार रखना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। ठीक है, अब ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। सदाचार किसे कहते हैं? समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। विपत्ति में क्या करना चाहिए? विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए।
सद्गुण से क्या तात्पर्य है? व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए, ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। फिर है प्रश्न नंबर 3, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। प्रश्न नंबर 4, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, विनम्र रहना, मधुर बोलना जैसे गुण होते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता? उत्तर, अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। कैसे? सदाचारी व्यक्ति के सद्गुण के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं, उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है, इसलिए सदाचार सफलता का मार्ग है। महापुरुष हमारे आदर्श क्यों हैं? महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है, उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।